हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास वीडियो है और आप सभी को एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो आपके आईटीआई वोकेशनल एजुकेशन में बनते हैं उसके कोर्स को लेकर के बताऊँगा, ठीक है। हालांकि पिछले एक डेढ़ महीने से हम वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे कि रिसेंट के एक हमारा जो है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में ही हैं तो वहाँ पर काफ़ी बिजी रहते हैं एक ट्रेनर के रूप में, इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो आपके यहाँ बताना चाहते हैं, अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, ट्रेनर बनना है और जो है कि अच्छी वोकेशनल एजुकेशन में कंसल्टेंसी का जॉब पानी है तो आप एक कोर्स अच्छे से कर सकते हैं। तमाम जगह पे आपके हर स्टेट में साल में एक बार वैकेंसी आती है। जैसे मान लीजिए आपको इस साल आपके बिहार को देखने को मिला, राजस्थान को अनुदेशक की भर्ती देखने को मिला, अगले साल हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश अनुदेशक की भर्ती देखने को मिल जाए, हरियाणा की मिल जाए, तो कुल मिला करके उड़ीसा में भी भर्ती आई थी। तो कुल मिला के आपको हर साल किसी न किसी स्टेट का आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जैसे अगर आप आईटीआई टीचर बनते हैं तो आईटीआई किए हों या फिर आईटीआई से जुड़ा हुआ जो ट्रेड होता है डिप्लोमा किए हों या फिर आप बीटेक किए हों तो आप क्या है कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक साल की पूरी ट्रेनिंग होती है, इसको बोलते हैं CITS और मोटी भाषा हम लोग CTI बोलते हैं, तो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आपने ITI डिप्लोमा BTEC या इससे जुड़ा हुआ कोई कौशल कोर्स किया हुआ है 2 साल के ऊपर तक का, जैसे ITI डिप्लोमा या BVOC होता है, तो आप इस कोर्स को भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे एक एक करके इसका हम बताते हैं। सबसे पहले हम विज्ञापन बताते हैं। अभी इसकी लास्ट डेट कल हो जाएगी, बहुत किसी तरीके समय निकाल के आपको वीडियो बनाए हैं, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा क्योंकि 15 जून से इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपको विज्ञापन संख्या के बारे में, ठीक। विज्ञापन डाउनलोड करते हैं, इसको दिखाते हैं, ओके। तो ये मंत्रालय आपका जो कौशल मंत्रालय बना है 2015 में, उसकी तरफ से इसको डेडिकेटेड कई जगह पे सेंटर्स खोले गए हैं। जो केंद्र सरकार को होता है वो आपका NSTI बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसको ITUT बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ में है, ओके, लखनऊ में आपका ITUT है और अन्य स्टेट में भी है। तो चलिए दिखाते हैं इसके बारे में क्या है। एडमिशन शेड्यूल क्या है, 5 जुलाई तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपके डाउनलोड होंगे आपके एडमिट कार्ड 13 से 21 तक, आपका पेपर होगा 21 तारीख को और रिजल्ट आपका आएगा 28 तारीख को, ठीक है। और काउंसलिंग इसकी आपकी 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिकल वेरीफिकेशन आपका 5 से 7 के बीच में होगा और ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड आपका 8 तारीख को है। इस तरीके से पूरा इसमें शेड्यूल दिया गया है, कंप्लीट है, ओके। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो क्लासेस चलेंगी वो आपके सितंबर से चलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज आपकी 5 सितंबर से रहती हैं। इस जो एग्ज़ाम होता है आपका, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या CET बोलते हैं। तो उम्मीद ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसमें कौन कौन सी ट्रेड है उसकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं आपको। एंट्री क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड होगा और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। तो बेटर कोर्स से अगर आपको टीचर बनना है एक टेक्निकल फील्ड का ITI में, या फिर को जो कौशल केंद्र खुलते हैं वहाँ पे ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे ट्रेड होती है आपकी CITS में आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन, इसके दिया कैटरिंग हॉस्पिटलिटी है, वर्कशॉप वुमेन वर्क टेक्नीशियन है, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, मशीनिस्ट है, इन सब के यहाँ पर आपके दाएँ साइड में दिया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है तो आप अगर ए लेवल की है कंप्यूटर में, बी लेवल है या PGDCA है, डिग्री है या ITI है, उस हिसाब से है। कुछ कोर्सेज में अगर आपका ITI 1 साल का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको ऐड करके देना पड़ेगा, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस साल नियम लगा, इससे पहले नियम नहीं था, ओके। इस तरीके से कॉस्मेटोलॉजी का जितने भी लगभग ITI के फेमस ट्रेड हैं, इसमें आपका 30-35 ट्रेड में आपका इसमें फीटर का जो सबसे फेमस है तो फीटर को देख सकते हैं आप। डिग्री या डिप्लोमा है मैकेनिकल में, ओके, तब हो जाता है। आपका ITI है तभी होगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। 2 साल का ITI कोर्स है तो 1 साल का एक्सपीरियंस अटैच करना पड़ेगा, अगर 1 साल का ITI है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अटैच करना पड़ेगा। कई लोगों के फॉर्म में जो एजुकेशन में इंटरमीडिएट ऑप्शन भरते हैं एकेडमिक में, तो उनका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा, कई लोगों में मांग रहा है। तो देख लीजिएगा अपना सिस्टम, कुछ इरर हो सकता है, अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म को जरूर भरिएगा, ओके। तो इंस्ट्रक्टर बनने का एक बेहतरीन मौका है इसके द्वारा। इससे आप टीचिंग स्किल सीख सकते हैं और कंटेंट बताने के तरीके, कंटेंट डेवलपमेंट के तरीके आप यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ये रही आपकी। सेंटर्स कहाँ कहाँ है आपको सेंटर्स बता देते हैं। आपका पूरे भारत में लगभग इसका 30 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, आपका टोटल 35 सेंटर्स हैं, ठीक। स्टेट वाइज हैं, उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो आपका प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर है। बाकी हर स्टेट का अपना अपना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और समझ सकते हैं,
ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप आसानी से आप पेपर को दे सकते हैं। पेपर में 25 क्वेश्चन आपका हाई स्कूल का मैथ आता है, 75 क्वेश्चन आपका ITI ट्रेड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन के 75 क्वेश्चन रहेंगे, फिटर है तो फिटर के रहेंगे, ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन के रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ठीक, पेपर आप दे लेंगे जब आपका कोर्स एडमिशन हो जाएगा, जब पूरा आपका एक साल बीतने वाला होता है, फिर इसी पर ही आपका इसी वेबसाइट पर आपको दिखता है और टिकट आता है आपको, फाइनल पेपर जो होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, सारी डिटेल आपकी यही आती है। एक ऑफिशियल साइट है मंत्रालय की, मिनी ऑनलाइन एडमिशन, इसी पे आपको पूरी डिटेल, आपको पूरे साल आपको इसी पे बने रहना पड़ेगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा चीज़ें बताने की कोशिश की। कुछ हम CITS मैपिंग बता देते हैं कि कोई अलग अलग टेट करते हैं जिसमें कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो वायरमैन का भी कर सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि जिस स्टेट में आपने ITI या डिप्लोमा है तो उसी फील्ड का करें, ओके, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है CTS ट्रेड और CITS ट्रेड। ठीक, मतलब क्या है, CTS में बहुत से ट्रेड होती हैं लेकिन CITS में लिमिटेड ट्रेड का कोर्स होता है, तो उसको इक्विवेलेंस दिखाया गया कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, कल इसका लास्ट डेट था, तो मिस न करें, वीडियो देखते ही तुरंत आप रजिस्ट्रेशन पर जाएँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। ओके, 5 तारीख तक लास्ट डेट है, मतलब कल लास्ट डेट है, तो फटाफट आज शाम को भर दें। ओके, यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक एक स्टेप आप खुद भी समझते जाएंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आप पहले बहुत से फॉर्म भरे होंगे, इस स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद दोबारा आप आएँगे यहाँ के लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर आने के बाद सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप अपलोड करेंगे, फोटो सिग्नेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और जो है कि मार्कशीट, एकेडमिक मार्कशीट और टेक्निकल मार्कशीट जो होती है वो सारी चीज़ें अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे, आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये सारा वीडियो था, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आए होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको इस वीडियो में, अगर आपको अब फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हैं, बाएं साइड में किनारे दिया है, आप टिकट रेज भी कर सकते हैं अगर सरकार के किसी भी कोई इशू आती है तो। ओके, अब क्या है, कॉलेज आप देख रहे हैं मैपिंग के थ्रू दिया गया है, आपका NSTI जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वक्त मैप के थ्रू दिखाया गया कहाँ कहाँ पर है, और ITUT जो प्राइवेट है वो भी दिखाए गए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी वो दिखाया गया। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपके कोई क्वेरीज होगी तो मिलेंगे और बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।